नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शिवानी। जैसा कि सभी ने महसूस किया कि कोरोना महामारी की मार हर किसी ने खाई, लेकिन सबसे दयनीय स्थिति उन गरीब मजदूरों की हुई जो शहर में रहकर दिन भर में मात्र चंद रुपए कमाकर लाते हैं, तो उसमें सुबह और शाम की दो रोटी नसीब होता है। जिस दिन कमाई नहीं होती है उस दिन वो भी नसीब नहीं होता। लेकिन इन्हीं सब बातों का ख्याल रखते हुए अब गरीब मजदूरों के लिए पटना नगर निगम एक बेहतरीन सौगात लेकर आई है, जिससे इन गरीब मजदूरों की परेशानियां कुछ हद तक कम हो जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पटना नगर निगम द्वारा शुरू किए गए 15 रुपए की खाने की थाली के बारे में, जहाँ आपको सस्ता और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। गरीब मजदूरों और सफाई कर्मियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए राजधानी पटना के नगर निगम द्वारा गरीब मजदूरों और सफाई कर्मियों के लिए 15 रुपए में पौष्टिक थाली की व्यवस्था की गई है। इस योजना का शुभारंभ भामाशाह भोजन सेवा केंद्र के साथ मिलकर पटना नगर निगम क्षेत्र में मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम के दौरान मेयर सीता साहू सहित पटना नगर निगम के अपर नगर आयुक्त योजना देवेंद्र प्रसाद तिवारी, अपर नगर आयुक्त सफाई शीला ईरानी, कार्यपालक पदाधिकारी अजीमाबाद राकेश कुमार एवं सशक्त स्थायी समिति सदस्य इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी, मुन्ना जायसवाल, पार्षद किरण मेहता, अरुण शर्मा समेत अन्य पार्षद मौजूद रहे। इसी दौरान मेयर सीता साहू ने कहा कि सफाई मजदूर, रिक्शा, ठेला चालक सहित कई ऐसे दैनिक कर्मी हैं जिनको इस योजना का निश्चित रूप से लाभ होगा। कम पैसों में यह गुणवत्तापूर्ण खाना प्राप्त कर पाएंगे, इससे उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और खाने पर ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। आपको बता दें कि सिर्फ 15 रुपए में ये थाली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आपको दिन के समय में चावल, दाल, सब्जी, भुजिया और अचार दिया जाएगा, और वहीं रात में 15 रुपए में आपको 5 रोटी, दाल, सब्जी, भुंजिया और अचार दिया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसकी शुरुआत पटना के गायघाट स्थित नवनिर्मित रैन बसेरा से की गई। इसके साथ ही शहर के 20 अलग अलग इलाकों में इसे शुरू किया जाएगा। अभी फिलहाल संस्था की तरफ से उचित स्थान का चयन किया जा चुका है, जहां अनुमति मिलते ही इस योजना का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। इसमें पटना नगर निगम क्षेत्र के मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, राजेंद्र नगर टर्मिनल, बस स्टैंड एवं गांधी मैदान के साथ शहर के कई प्रमुख हिस्सों को शामिल किया गया है। अगर यह योजना का संचालन पटना नगर निगम द्वारा सुचारू तरीके से किया जाएगा तो हर रोज जद्दोजहद कर रहे इन मजदूरों को काफी हद तक राहत मिलेगी। आशा है पटना नगर निगम द्वारा चलाए गए इस योजना का हमारे सफाई कर्मचारी, गरीब मजदूर के साथ साथ और भी दैनिक कर्मी भरपूर लाभ उठा पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।